शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये मेरी तीसरी और आखिरी चिट्ठी है। मैं उमा की ये हालत और देख नहीं सकती, बिल्कुल पत्थर बन गई है। मैंने तुम्हें बार बार लिखा है कि यहाँ चले आओ, आने की बात तो छोड़ो, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुमने। अरे, दुर्गा मौसी की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया तूने? क्या जवाब दे? जवाब तो एक ही है, अभी का अभी उमा के पास चला जा। नहीं चंद्रू, किस मुंह से जाऊं? मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा? ये सब कुछ सुनने के बाद भी? यार तू इंसान है क्या? नहीं, वो इंसान नहीं लगा। कोई इंसान ऐसा बर्ताव कर सकता है? अरे मौसी, मर गई तेरी मौसी। मौसी जी अंदर चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए पहले। नहीं चंद्रू, मैं इस घर का पानी भी नहीं छूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ, मुझे इस पे जितना गर्व था, इतनी ही आज मुझे इस पे शर्म आ रही। इंसान इतना भी गिर सकता है? उसे कहो जाए और देखे फूल जैसी लड़की की क्या हालत हो गई है। इससे तो उमा का मर जाना अच्छा था। चंद्रू, मैं मंदिर में पूजा करने आई हूं, भगवान से कहने आई हूं, उमा को अच्छा कर दो या फिर उसे अपने पास बुला दो। टैक्सी बाहर खड़ी है, मुझे जरा छोड़ाओगे बेटा? हाँ मौसी जी, चलिए आइए। ऐसे अकेले बैठ के क्या सोचा करती है तू? मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी, बहुत दुख होता है। चला आ मेरे साथ, आ आ वहां बैठ। आ आ इधर आ, आ आ बैठ बैठ। याद है तुझे एक बार जौनपुरी राग में धीरा नायका और अधीरा नायका के बारे में बताया था? जरा सुना तो। अरे सुबीर, तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जीते रहो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो, मैं उसे बुलाता हूँ। उमा, 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 सुबीर आ, सुबीर। हाँ हाँ सुबीर, तू उस पर जा के बैठ, मैं मिठाई उठाई लाता हूँ। जा, जल्दी कर। नाराज है ना? बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें? मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। ये
यही है अपनी कहानी डॉक्टर भार्गव। बस उसके बाद उमा पत्थर सी हो गई। मुश्किल तो यह है कि ऐसे मरीज अपनी सेहत भी तो नहीं चाहते, आज दवा ली तो कल नहीं। डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिक शॉक से? नहीं नहीं, वो पागल थोड़े ही हैं, सिर्फ सदमे का शिकार हैं। उन्हें किसी तरह से जैसे भी हो हंसाना या रुलाना पड़ेगा। बहुत कोशिश की डॉक्टर भार्गव, लेकिन हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखिए। हमें यह भी तो नहीं मालूम वो कब किस बात पर हंसी या रो दे। मुसीबत तो यह है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, जैसे ही हम लोग कुछ कहते हैं वो उठ के चली जाती। वो तो ये सब करेंगी ही। आपने अभी अभी कहा ना कि वो नीचे वाले कमरे में सोती हैं, ऊपर नहीं आना कहती। बात तो एक तरफ, संगीत भी बर्दाश्त नहीं उन्हें, उसकी वजह साफ है। वो अपनी पुरानी यादों से दूर रहना चाहती, उन्हें भूल जाना चाहती है। उस अतीत को जहां से वो टूटा है हमें बनाना है, बस यही एक रास्ता है उन्हें नई जिंदगी देने का। क्या कर रही हो मां? पता ऊपर तेरे सूटकेस से मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मोजे। किसके हैं? मुन्ना के। उमा ने बुने थे उसके लिए, लेकिन हमारी किस्मत ही कहां, भगवान ने उसे पहनने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, नहीं तो अभी वो 4 महीने का होता। हाँ, कुछ ही दिनों में चलने भी लग जाता, उमा की गोद भर जाती और घर का आंगन सज जाता। अच्छा उमा, क्या करें इनका? ले उमा, ले ना। क्या मीठे में तीखा और तीखे में मीठा, फिल्मों की तरह। रोने में कॉमेडी, कॉमेडी में म्यूजिक। अरे विलायत से लोग आते हैं इसे खाने यहां। मुझसे और नहीं देखा जाता चंद्रू, और नहीं देखा जाता। अरे यार हौसला रख, इतना तो सोच, कई दिनों से वो घर से ही नहीं निकली। शुक्र कर आज वो यहां तक तो आ गई। बेकार है चंद्रू, बेकार है। उमा एक पत्थर का टुकड़ा बनकर रह गई है और इसका कारण मैं हूं। अगर तुम यही समझते हो कि तुमने उसकी जिंदगी तबाह की है तो तुम्हारा ही फर्ज है कि तुम उसे संवार। राय साहब, हम आपके पास इसीलिए तो आए कि आप ही में कोई रास्ता बताएं। सुबीर, तुम्हारा और उमा दोनों का एक ही गुण है और वो है संगीत। संगीत तुम दोनों को साथ लाया है, संगीत तुम दोनों का विवाह बंधन है, इसलिए तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी संगीत। तुम्हें गाना होगा सुभी। नहीं राय साहब, गाना मेरा दुश्मन है, गाने ही की वजह से सब कुछ हुआ। नहीं सुभी, गाने की वजह से नहीं, न गाने की वजह से। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम्हारा गाना छोड़ देना उमा बेटी के लिए कितनी भयंकर बात। हाँ सुबीर, राय साहब ठीक कह रहे हैं। उमा ने चिट्ठी में मुझे यही लिखा था, तेरा न गाना ही उसे खाए जा रहा है। जब तक तू गाएगा नहीं तब तक वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। सुबीर, उमा को अगर अच्छा करना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संगीत को लाना होगा, तुम्हें गाना होगा। कब कहां कैसे ये मुझ पे छोड़।
आओ आओ, बैठो 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 माँ, बैठो चंद्रू। थैंक यू। ले माँ, देख। बहनों और भाइयों, हमारे सुर झंकार का रजत जयंती उत्सव आरंभ होता है। पहले तो मैं आपके सहयोग का शुक्रिया अदा करता हूं। आज की सभा का आरंभ हम ऐसे कलाकार से कर रहे हैं जो काफी समय के लिए गुमनामी के अंधेरे में अपने आप चला गया था। उस कलाकार का नाम है सुबीर कुमार। माननीय श्री ब्रजेश्वर राय जी और दोस्तों, आप लोगों ने जो इज्जत और सम्मान मुझे दिया है, पता नहीं मैं उसके योग्य हूं भी या नहीं। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं, वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया। बैठ जाइए, खामोश। मैंने एक भूल की, सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता देकर। सुबीर कुमार का यह गीत सिर्फ सुबीर कुमार का नहीं, बल्कि सुबीर कुमार और उनकी पत्नी दोनों का एक सपना था। हमें खुशी है कि उमा देवी यहां मौजूद है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं और गाएं। तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा, कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा। क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती? हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा। मैं तेरे पिता समान हूं, मेरा आदेश है। चल चल, उठ उठ उठ।